भगवान राम से जब ये पूछा गया कि प्रभु आप जो है कौशल्या माँ को प्रणाम करने गए और आप केकई माँ को भी प्रणाम करके चले, आप सुमित्रा माँ के पास क्यों नहीं गए प्रणाम करने के लिए? भाई केकई माँ को प्रणाम करके आ रहे हैं, कौशल्या माँ को भी प्रणाम करके आ रहे हैं, लेकिन सुमित्रा माँ तो वहीं बैठी हुई है, सुमित्रा माँ के पास आप नहीं गए प्रणाम करने? ये बड़ा उलझा हुआ प्रसंग रहता है। लोग इस पर बहुत सारी बातें करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन प्यारे इसमें भी संतों के मत से, मैं तो संतन सन जस कछ सुनो तुम्हें सुनावो सोय, ये मेरा कोई बुद्धि कौशल नहीं है, ना ये वाणी का चातुर्य है, ये तो संतन सन जस कछ सुनो तुम्हें सुनावो सोय। संतों से जो मैंने सुना है उसी को मैं सुनाता हूँ, पूर्वाचार्यों से जो सुना है उसी को मैं सुनाता हूँ। कौशल्या जी के भवन में लक्ष्मण को भेजा, सुमित्रा जी के भवन में, सुमित्रा जी के भवन में किसको भेजा? लक्ष्मण को भेजा। कौशल्या जी के भवन में तो खुद गए, स्वयं प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, लेकिन सुमित्रा जी के भवन में भगवान राम नहीं गए, भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा। स्वयं चले जाते, साथ में लक्ष्मण भी चले जाते, तो क्या दिक्कत थी? यहां दो प्रकार का भाव है, क्या? एक तो सुमित्रो उपासनात्मिका, सुमित्रा जी उपासना है, जिसके जीवन में उपासना होती है वही ऐसे तत्व को जन्म देती है या देता है। कैसे तत्व को? कही तात सो परम विरागी तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, जिसमें उपासना होती है वही ऐसे तत्व को प्रकट करता है जो धर्म के लिए भोजन भी त्यागता है, धर्म के लिए परिवार भी त्यागता है और सत्र धर्म के लिए निद्रा भी त्यागता है। क्यों भाई? सत्र धर्म के लिए बोलो, लक्ष्मण ने, सुमित्रा जी ने जन्म दिया ना लक्ष्मण को, सुमित्रो उपासनात्मिका, जन्म दिया लक्ष्मण को, लक्ष्मण ने सत्र धर्म के लिए भोजन भी त्यागा, परिवार भी त्यागा और निद्रा भी त्याग दिया। सुमित्रो उपासनात्मिका। दूसरी बात, लक्ष्मण जी केवल भाई नहीं है, लक्ष्मण जी महाराज तो पुत्र की भूमिका में, किसकी भूमिका में? पुत्र की भूमिका में। एक परंपरा से एक अर्थ चला आ रहा है, उसको आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, लेकिन एक दो मिनट में हम उसको दोहरा दें। सुनते हैं ऐसा, रसिकों के द्वारा भी मैंने ऐसा सुना, रसिक संप्रदाय के संत कहते हैं कि जिस समय किशोरी जी अयोध्या में आई, कल आपने वो प्रसंग भी सुना था, आज वो अयोध्या में आ गई अथवा कल ही आ गई थी, भाव की भूमिका में समझ लो, प्रसंग तो बहुत बड़ा था, मैं अगर इसी में उलझ जाता तो पूरे तीन चार दिन लग जाते, लेकिन कथा को थोड़ा विस्तार देना है, कथा को विस्तार देना है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये रसिकों का मानना है कि कौशल्या माँ इतनी प्रसन्न हो गई, किशोरी जी की छवि पर बलिहार हो गई, कि उन्होंने जो वेश कीमती हार पहने हुए थी, जो पट्टा विशक्ता महारानी को मिलता है, पटरानी को, वो हार जो है किशोरी जी के गले में पहना दिया, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना पद किसको दे दिया? जानकी जी को दे दिया, किशोरी जी को दे दिया। ये महारानी ही पहनती थी वो हार, जैसे राजा के सिर पर मुकुट रखा जाता था और जो पटरानी पट्टा विशक्ता महारानी होती थी उसको वो हार पहनाया जाता था परंपरागत। इतनी प्रसन्न हो गई कि किशोरी जी के सौंदर्य से प्रभावित हो गई, तो उन्होंने अपना हार पहना दिया, मतलब महारानी बना दिया, लो आज से तुम महारानी, बहू को पूरा अधिकार दे दिया आते ही, हैं? बहुएं खुश हो गई होंगी कि आज की सास बन जाए कौशल्या तो काम ही ना बन जाए,
महाराज यही तो समस्या है कि आजकल लेना देना कुछ नहीं है, इसी बात का विवाद है। देखो कौशल्या जी ने जो है तुरंत दे दिया, जानकी जी को देख करके उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर किशोरी जी को पहना दिया। बहुओ तुम जानकी बनकर के प्रवेश करो ना, जानकी बनकर के प्रवेश करो तो सब कुछ मिल जाएगा। सीता बनकर के प्रवेश करोगी घर में तो सत्य कहता हूं मैं कि सास देगी ही देगी अधिकार, पूरे अधिकार दे देगी। लेकिन सीता बनकर के प्रवेश करो, लेकिन तुम सीता बन के प्रवेश कहां कर रही हो, तुम तो सुपर्णखा बन के प्रवेश कर रही हो। एक बड़ी समस्या है, समस्या क्या है, बड़ी उलझी हुई समस्या है ये। आज ये दहेज रूपी दानव संबंधों में दरार पड़ रहा है। जिस समय बेटे का बाप दहेज मांगता है तो बेटी का बाप कहता है कि बेटी तू भार बन गई, जहां भी जा रहा हूं वहां बाधक बन रहा है दहेज। अरे मैं देना तो चाहते ही हूं लेकिन डिमांड हो रही है, वो इतनी अधिक डिमांड हो रही है कि पूरा आर्थिक संतुलन बिगड़ रहा है घर का। अब क्या करूं, हे भगवान मेरे संकट को दूर करो, मुझे नींद नहीं आती है रात भर क्योंकि मुझे बेटी दिखाई देती है कि कब इसका हाथ पीला करूं। हे भगवान मेरी मदद करो, उन दहेज लोभियों की बुद्धि को सुधार दो। बोलो भाई, बेटी उस बाप के शब्दों को सुनती है, बोलो सुनती है कि नहीं सुनती है, कि बाप कहीं गया था मेरे लिए घर देखने और लौट के आया तो रात में नींद भी नहीं आ रही है और कुछ बोल भी रहा है और धिक्कार रहा है अपने को कि मेरे से कौन सी भूल हो गई थी जो आज मेरी बेटी भार बन गई है, ये भार मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे भगवान मेरी रक्षा करो, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इस दुनिया से शादी के पहले ही जाना पड़े। रोता है तो बोलो भाई बेटी क्या सोचती होगी। लेकिन जब दहेज लोभी नहीं मानते हैं तो बाप कहता है कि मैं जमीन जायदाद बेचने को भी तैयार हूं लेकिन बेटी का हाथ पीला करूंगा। और जब वो जमीन जायदाद सोना चांदी रुपया रुपया उधार लेकर के दहेज की पूर्ति करता है और विदा करता है तो वो बेटी की मानसिकता बदल जाती है। जब बहू बनकर के प्रवेश करती है तो वो ये कहती है कि मैं दबाव बनाऊंगी, कर्तव्य नहीं करूंगी। जैसे तुम्हारे बाप ने मेरे बाप पे दबाव बनाया वैसे अब मैं दबाव बनाऊंगी तुम्हारे बाप के ऊपर। क्यों, मानसिकता बदल गई कि नहीं बदल गई उसकी, बोलो भाई। पूरी मानसिकता ही बदल गई और वो पूरा पूरा दबाव बनाती है। और फिर आते हो बोले महाराज मैहर बड़े अखाड़े में भर्ती कर लो हमको, बहू रोटी नहीं दे रही। अब तो मैहर अखाड़े में भर्ती कर लो, अब तो यहीं मजीरा बजाएंगे। बज गए मजीरा, क्यों भाई? बोलो सोचो जरा, अरे क्या होता है ये संपत्ति अंपत्ति से। बेटे वाले चाहें तो एक संकल्प कर लें कि मुझे संस्कारी बहू चाहिए और बेटी का बाप ये चाहे कि मुझे संस्कारी घर चाहिए जिसमें अपनी बेटी का हाथ पीला करके भेजूं। संस्कारी घर की कामना करो, संस्कारी बहू की कामना करो। ये मकान की ऊंचाई देख करके शादी का निर्णय मत लिया करो बेटी का। क्या मकान की दीवालों के साथ शादी कर रहे हो? कम से कम ये भी तो देखो कि मकान की दीवालें बहुत ऊंची हैं लेकिन अंदर खरदूषण तो नहीं सो रहा है, इस पर भी तो विचार करो। क्या बात है, किशोरी जी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हो गई क्योंकि यहाँ लेन देन का कोई मैटर नहीं था,
बोलो था, लेकिन महाराज जनक ने दाई दियो बहु भात साहब, इतना दिया महाराज जनक ने इतना, लेकिन दशरथ जी ने मांगा नहीं था। बोलो मांगा था क्या? मांगा नहीं था। और जिस समय किशोरी जी आई, कौशल्या जी प्रभावित हो गई और महारानी बना दिया, बना दिया मालिक, बना दिया मालकिन, बन गई सीता। अब केकई ने सोचा कि मैं क्या दे दूं, क्योंकि ये बड़ी रानी है, इसको हार मिला था, लेकिन मेरे पास भी है देने के लिए। क्या बोले? कनक भवन। आज से जानकी कनक भवन में रहेंगे। कहां रहेंगे? कनक भवन में। मान्यता ऐसी है कि भगवान राम और श्री किशोरी जी अयोध्या में कहां रहते हैं? कनक भवन में। केकई ने कहा मेरे पास कनक भवन है, मैं कनक भवन दे रही हूं, कनक भवन में रहेंगी आज से सीता। अब सुमित्रा जी खड़ी खड़ी सोच रही मैं क्या दे दूं, का मेरे पास तो पुत्र है। क्या है? पुत्र है। बस लक्ष्मण से कहा इधर आओ, हाथ पकड़ा, और जैसे हाथ पकड़ा कहा बहू, बड़ी दीदी ने तो सोने का हार दे दिया, केकई जी ने भी कनक भवन दे दिया, लेकिन मेरे पास न सोने का हार है न कनक भवन है, मेरे पास संपत्ति के रूप में बेटा लक्ष्मण है, इसलिए आज से लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं है, आज से लक्ष्मण सीता तुम्हारा पुत्र है, इसे संभालो, ये तुम्हारी सेवा करेगा, ये सेवा करेगा, ये पुत्र है। ईमानदारी से बताओ, आज लक्ष्मण जी महाराज किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं? श्री जानकी जी के पुत्र। ये अधिकार किसने दिया है? सुमित्रा माता ने अधिकार दिया। जब कभी पिता के सामने धर्म संकट आता है, तो मर्यादा की रक्षा करने के लिए विकल्प चुनता है अपने पुत्र को। बोलो, चुनता है कि नहीं चुनता है? विकल्प किसे चुनता है? वो पुत्र को। जैसे किसी परिवार से आपके बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन आप परिस्थिति जन स्थिति में उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हो और अपने पुत्र को भेज देते हो, तो बोलो पुत्र की उपस्थिति पिता की उपस्थिति दर्ज करा देती है कि नहीं करा देती है? जल्दी बोलो, मतलब मर्यादा सुरक्षित रह जाती है कि नहीं? भगवान राम मजबूर होकर के नहीं जा पा रहे हैं सुमित्रा माँ के पास, क्यों? भगवान यदि बंधन में बंधता है तो उपासना के बंधन में बंधता है। बोलो, बनता है कि नहीं? बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने उपासना के बंधन में भगवान को बांध लिया। बोलो, प्रहलाद जी ने अगर भगवान को बांधा है तो किस बंधन में बांधा? उपासना की रस्सी से ही तो बांधा है। किस रस्सी से बांधा? उपासना की रस्सी से बांधा। ध्रुव जी ने अगर बांधा है तो किस रस्सी से बांधा? उपासना की रस्सी से बांधा है। आज भगवान कहते हैं कहीं उपासना की रस्सी से मैं न बंध जाऊं, फिर तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए विकल्प क्या है? का मेरा पुत्र लक्ष्मण है, इसे अधिकार मेरा मिला हुआ है, इसलिए आज लक्ष्मण से कह रहे हैं कि जाओ लक्ष्मण, तुम माँ से आज्ञा लेके आओ। तो लक्ष्मण जी बोले, गुरु पितु माँ तुम न जानो काहू। मैं किसी को नहीं जानता हूँ, माता पिता गुरु आप ही हैं, माए सब कुछ, कहाँ चले जाए? गुरु पितु माँ तुम न जानो काहू, ओ कहो सुभाव नाथ पति आहू। मैं माता पिता गुरु सब कुछ आपको ही मानता हूँ। भगवान बोले, मुझे अगर मानते हो तो मेरी भी तो मानो, मुझे ही मानते हो मेरी क्यों नहीं मानते हो? अरे मुझे मानते हो तो मेरी मानो भी तो। आप हमें मानते हो, हमारी नहीं मानते हो, क्या मतलब है हमारे मानने का? आप अपने पिता को मानते हो, पिता की नहीं मानते हो, माँ को मानते हो, माँ की नहीं मानते हो, भगवान को मानते हो, भगवान की
क्या मतलब ऐसे मानने से? अगर तुम मुझे मानते हो, सब कुछ मानते हो, तो मेरी मानो, मैं कह रहा हूं जाओ। तो बोलो लक्ष्मण जी पहले तो ये कह चुके कि मैं किसी को मानता नहीं हूँ आपके अलावा, लेकिन जब भगवान ने कहा अगर मुझे मानते हो तो मैं जो कह रहा हूँ वो मानो, मेरी मानो, जाओ माँ के पास जाओ, प्रणाम करके आओ, आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा भैया फिर मैं लौट के आऊंगा तो आप साथ ले जाएंगे कि नहीं? भगवान बोले वो मैं ही तो कह रहा हूँ कि जाओ तो, और मैं वचन देता हूँ कि जब तक तुम लौट के नहीं आ जाओगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, ठीक है ना? अब जाओ। ये 5 मिनट की बात, क्योंकि अभी 7:06 हुआ है, वो तो 7:15 बज ही जाता है। आपने कहा था महाराज 7 बजे तक चलना या 7:15 हो जाता है, कोई बात नहीं है, सुनना आपको है, हमें सुनाना है, हम सुनाने के लिए, आप सुनने के लिए। कथा बोलने के बाद जब मैं जाता हूँ तो ये जो मेरे चेले है ना, ये कहते हैं आपको स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। हम कह क्या मतलब? बोले आप बोलते ही रहते हैं, आपको 2 घंटे से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप 3 घंटे 3.25 घंटे बोलते हैं, इसका मतलब है स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं आप। मैंने कहा सुनो, तुम लोग तो कर रहे हो अपने अपने स्वास्थ्य की चिंता, खा रहे हो, पी रहे हो, मस्ती में रह रहे हो, ये मेरे कारण ही नहीं, छान घोंट रहे हो, नहीं कौन पूछता तुमको? मैयर के रेलवे स्टेशन पर पड़े रहते, चाय भी पीने को नहीं मिलती, इसलिए मुझे कथा कहने दो। मेरे कथा के क्रम में किसी भी प्रकार की कोई बातचीत और व्यवधान नहीं, तो फिर ये नहीं बोलते हैं बेचारे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल ही देते हैं। देखो हमें कथा के प्रति प्रेम है, और जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं उनसे भी प्रेम है। बोलो है प्रेम कि नहीं? आप सब जितने बैठे हो अवाल वृद्ध नर नारी कथा प्रेमी हो, इसलिए मेरा प्रेम आज कथा मेरी वाणी से, ये प्रेम ही तो आप सबको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये प्रेम का प्रसाद है, ये प्रेम का प्रसाद है जो आप सबको मिल रहा है। आइए 5-7 मिनट में इसका समाधान कर दूं, ये जो प्रसंग है इस प्रसंग का समाधान हो जाए तो आपको थोड़ा संतोष मिल जाएगा, और ये होगा कि हाँ कथा प्रसंग सुनने में हमारी पूर्णता होगा। चलिए आइए 5 मिनट की बात, जाओ मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण प्रणाम करके आओ। लक्ष्मण जी जब पहुंचे तो जाए जनन पग नायो माथा, लेकिन मन रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी का तन तो है माँ सुमित्रा के श्री चरणारविंदों में, लेकिन लक्ष्मण जी का मन कहाँ है? जहाँ भगवान राम राम श्री जानकी जी हैं। मन रघुनंदन जानकी साथा, मन वहाँ है, तन यहाँ है। जैसे प्रणाम किया लक्ष्मण जी ने तो लक्ष्मण जी का चेहरा उदास था। उदास क्यों था? कि कहीं यहाँ प्रणाम करने के चक्कर में भैया न चले जाए, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मन वही है और तन यहाँ है। तो सुमित्रा माता ने जैसे चेहरा देखा तो पूछे माँ तुम मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेखी। जैसे मलिन मन देखा तो पूछा उदास क्यों हो, तो लक्ष्मण जी ने पूरी कथा सुना दी। अब एक बात बताओ भाई, राम वन गमन कथा है कि व्यथा है? बोलो लक्ष्मण के मत से, जल्दी बोलो। लक्ष्मण के मत से पूछो माँ तू मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा। जबकि लिखना ये चाहिए था लखन कही सब व्यथा, पूरी व्यथा सुना दी। लेकिन बोलो लक्ष्मण जी के मन में ये राम वनगमन कथा है कि व्यथा है? वो है कथा कि नहीं? और कथा ही व्यथा को दूर करती है, बोलो करती है कि नहीं? कथा ही व्यथा को दूर करती है। तो पूरी कथा सुना दी। अच्छा जैसे कथा सुनाई तो यहाँ सुमित्रा जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। क्या सुमित्रा जी ने कहा? लक्ष्मण पहले ये बताओ राम को वन कौन भेज रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तो ये सुना है कि केकई माता भेज रही है। सुमित्रा जी ने कहा खबरदार, मैं केकई को जानती हूँ, जितना राम से प्रेम केकई करती है दुनिया में इतना राम से कोई प्रेम नहीं करता है, खबरदार। लक्ष्मण जी बोले तो क्लियर पता नहीं है हमको,
हम तो सुनी हुई बात बता रहे हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलक बदन, समाचार सुनने को मिला, जैसा समाचार लोगों ने सुना दिया वैसा हमने सुन लिया, गलत बोल रहे हो। तो लक्ष्मण जी बोले पिताजी का भी नाम जुड़ा हुआ है, पिताजी का नाम भी जुड़ा हुआ है। सुमित्रा जी ने कहा गलत, तुम्हारे पिता इतना प्रेम करते हैं राम से कि वो राम के बिना रह नहीं सकते, राम को वन भेज सकते हो, गलत। लक्ष्मण जी बोले तो हमें क्लियर पता नहीं, हमने तो सुना और सुन के चले आए, हमको कुछ पता ही नहीं। जाओ पहले राम से पूछ के आओ, राम को वन कौन भेज रहा है, जाओ जाओ पूछ के। लक्ष्मण जी बोले पूछने जावे फिर आवे, इसका मतलब है आपकी भी साजिश है कि राम चले जाए, राम चले जावे। सो रहे थे बेटा, देखा इनको ये पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, इनको ये पता ही नहीं क्या हो रहा है। एक बार ये बैठा रहा है ऐसे कथा में, मंच पर बैठा है ऐसे, रात्रि के 11-12 बज रहे थे, मैं बोल रहा था तो ऐसे ऐसे करे, मैंने कहा क्यों सो रहे हो, बोला नहीं महाराज, मैंने कहा अच्छा सो भी रहा है, इधर से उधर कर रहा है, उधर से उधर कर रहा, नहीं महाराज। 20 मिनट बाद फिर इसकी यही मुद्रा, मैंने कहा सो रहे हो, नहीं महाराज। 20 मिनट बाद फिर ऐसे ऐसे होने लगा, हमने कहा जिंदा हो, बोले नहीं महाराज। हमने कहा तो ये जिंदा नहीं है, इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। देख रहे हो ये सब कोई बात नहीं, ये हमारा दंड जो है, ये छड़ी नीचे गिर गई, इसको पता ही नहीं है, पीछे बैठा है ये। हम छत्र जो है पहले इसमें लगाते नहीं थे, सेवक से कहते थे कि इसको पीछे लेकर के खड़े हो जाओ, यही परंपरा, ये लगाया थोड़ी जाता, पीछे खड़ा होना चाहिए, यही था कि और कोई था सो गया, वो छत्र ही गिरा मेरे ऊपर। हमने कहा इससे अच्छा इंतजाम कर दो स्थाई, कोई फायदा नहीं, बताओ भगवान की कृपा रही कि बच गए। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, लेकिन आओ पूछ के आओ, जाओ पूछ के आओ, लक्ष्मण पूछ के आओ कि राम तुम्हें वन कौन भेज रहा है, राम स्वयं बताएंगे कि वन भेजने वाले का नाम ये है। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है माता जी मैं जा रहा हूं। और जैसे ही लक्ष्मण जी गए प्रभु राम के चरणों प्रणाम किया, भगवान ने कहा क्यों, माता जी ने आज्ञा दे दी, माता जी ने आज्ञा दे दी, कह सरकार आज्ञा क्या दी है, आपको भी अभी आज्ञा नहीं मिली। भगवान बोले यही तो मैं सोच रहा था, यही भय सता रहा था मुझे, और लगता है कि ये समाधान के लिए गया था, समस्या पैदा करके आ गया। क्या बात है, बात क्या है, बात ये है कि माता जी ये पूछ रही हैं कि आपको वन कौन भेज रहा है। अच्छा लक्ष्मण तूने क्या बताया, तूने किसका नाम लिया। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने तो यही कहा था कि माता केकई भेज रही है। भगवान राम बोले गलत, कहे माता जी भी यही कह रही थी गलत, वो आप भी कह रहे गलत। फिर मैंने ये कहा पिताजी भेज रहे हैं, भगवान राम बोले गलत, मेरे माता पिता को दोषी मत ठहरा। सारी दुनिया को ये लग रहा है कि महाराज दशरथ तो महारानी केकई माता केकई भेज रही हैं राम को वन, लक्ष्मण वन में क्यों जा रहा है। माता पिता चाहते हैं कि बेटे का हित हो, बेटा महान बने, क्योंकि हर माता पिता के मन में एक ही इच्छा रहती है कि मेरा बेटा महान बने। क्यों भाई, यही इच्छा है कि नहीं, महान बने। और आज राम वन जा रहा है तो इसमें केकई माँ और मेरे पिताश्री को दोष देना ये तो अनुचित होगा। लक्ष्मण सत्य तो ये है, जाओ कह दो माता सुमित्रा से कि राम वन जा रहा है, मुनियों से मिलने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है, मुनियों से मिलने के लिए, मुनि महात्माओं से मिलने के लिए। मुनिगण मिलन विशेष बन,
बन जाने का विशेष कारण है मुनियों से मिलना। मुनि गण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, तहीं पर पितुआय सुबहुर सम्मत जननी तो, तहीं पर पितु आयुष सम्मत जननी तो। लेकिन इस दोहे का प्रथम चरण क्या संकेत दे रहा है? मुनिगण मिलन विशेष बन, बन जाने का विशेष कारण है मुनिगण मिलन, ये विशेष कारण बताया है। और शेष में फिर केकई माँ और महाराज, ये शेष में है लेकिन विशेष में मुनिगण मिलन। अच्छा बताओ, मुनियों से मिलना ये कथा है कि व्यथा? जल्दी बोलो, ये जीवन की कथा है। अगर हम मुनियों से मिलते हैं तो हमारा इतिहास कथा में बदल जाता है, और यदि हम भगवान से और संतों से दूर होते हैं तो हमारा इतिहास व्यथा में बदल जाता है प्यारे। इसलिए भगवान का वनवास कथा बन गया। क्या बन गया? भगवान का वनवास कथा बन गया। बोलो, बन गया कथा कि नहीं? तो केकई माँ ने राम के जीवन, राम को व्यथा से जोड़ा कि कथा से? बोलो, कथा से जोड़ा कि नहीं? और लक्ष्मण जी भी व्यथा का अनुभव कर रहे हैं कि कथा का? कौशल्या माँ भी व्यथा का अनुभव कर रही हैं कि कथा का? बेटा जो पितुमात कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। आशीर्वाद दे रही हैं, ये व्यथा है कि कथा है? ये कथा है। राम का वन गमन क्या है? कथा है, व्यथा नहीं है। इसको व्यथा से जोड़ना ये अल्प बुद्धि का परिचय होगा। तो यही कह दूं? हाँ, जाओ जल्दी, कहो जाओ जल्दी, क्योंकि 5 मिनट शेष रह गए, जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी गए, सुमित्रा माता ने कहा, क्यों लक्ष्मण? राम जी ने क्या कहा? क्या कहा राम जी ने? कहे भैया, माता जी, भैया ने यही कहा। क्या कहा? भैया यही कह रहे थे कि मुनिगण मिलन विशेष बन। अच्छा, मुनियों से मिलने के लिए बन जा रहे हैं? हाँ मैया, भैया ने तो यही कहा। सवई भांत हित मोर, इसमें मेरा हित है। अच्छा, मुनियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, इसी में राम का हित है। सुनो लक्ष्मण, राम इस बात को कह रहे हैं कि मैं मुनियों से मिलने के लिए बन जा रहा हूं, इसमें मेरा हित है, मैं दर्शन करूंगा। ठीक है, ये मैं मानती हूं। विशेष बन जाने का कारण मुनियों से मिलना, ये राम सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन मैं सिद्ध कर रही हूं। माता जी, आप क्या सिद्ध कर रही हैं? ना तो विशेष हेतु बन जाने का मुनिगण मिलन है, और ना कहीं पर पितु आयुष बहुर पिता की आज्ञा मूल मुख्य हेतु है, ना केकई का सम्मत मुख्य हेतु है, ना मुनिगण